सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियोस मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी सॉल्यूशंस। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं ऐसा हेयर ऑयल जिसके रेगुलर इस्तेमाल से एसएमएस सफ़ेद हो रहे बालों और गंजेपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा, साथ ही हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी। बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, तो इस तेल की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, साथ में हेयर फॉलिकल्स नरिश होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस हेयर ऑयल को कैसे बनाते हैं और इसे कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज्ड अनियंस यानी कि प्याज। प्याज आप कोई भी ले सकते हैं, रेड या वाइट। दोनों तरह की प्याज में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद मैंने ली है 20-25 करी लीव्स, इनको मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है। फ्रेंड्स, अनियन में सल्फर होता है जो कि स्ट्रॉन्ग और थिक बाल उगाने के लिए बेहद ज़रूरी है। सल्फर कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जिससे हेल्दी स्किन सेल्स ग्रो होते हैं और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। इसके अलावा प्याज में काफ़ी सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें बालों की कई तरह की समस्याओं से बचाते हैं, जैसे कि इचीनेस, ड्राइनेस। इसके अलावा प्याज के रेगुलर इस्तेमाल से बालों में डैंड्रफ नहीं होता है और बालों और स्कैल्प को कई तरह के इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है। करी लीव्स में भी बीटा कैरोटीन और प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेयर फॉल को रिड्यूस करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनमें अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि बालों की जड़ों को मजबूत करके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं। यहाँ हमने प्याज की छोटी छोटी स्लाइसेस कर ली हैं। तो अनियन और करी लीव्स दोनों रेडी हैं। इसके बाद हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। करीब 20-25 सेकेंड्स हमें इन्हें ब्लेंड करना है ताकि अच्छे से इसका पेस्ट रेडी हो जाए। इसके बाद इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अनियन और करी लीव्स का पेस्ट रेडी है। इसके बाद हम लेंगे तिल का तेल। तिल के तेल की जगह आप सरसों या नारियल का तेल भी ले सकते हैं। यहाँ मैं तिल का तेल प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि तिल का तेल बालों को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है और स्कैल्प को काफ़ी सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो एक कप मैंने तिल का तेल पैन में डाल दिया है। अब इस ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, उसके बाद अनियन एंड करी लीव्स का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। हमें स्लो गैस पे हल्का ब्राउन होने तक इसे रोस्ट करना है। तो देखिए, तेल में मैंने करी लीव्स और अनियन का जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस मेरी स्लो ही है। करीब 10-12 मिनट्स में स्लो गैस पे ये मिक्सचर रोस्ट हो जाएगा और एक हल्का ब्राउनिश कलर आ जाएगा इसके अंदर। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है। तो ये देखिए, इस तरह का ग्रीन से ब्राउनिश कलर इसमें आ गया है। अब इस पॉइंट पे हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे।
मिक्सचर के थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और इस तरह से प्रेस करते हुए सारे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये अनियन एंड करी लीव्स का ऑयल हमारे लिए रेडी है। इसको हम पूरे एक महीने तक किसी कांच के जार में, जो कि धुला हुआ है और सूखा है, उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। एक महीने बाद आप दूसरा बैच इसका तैयार कर सकते हैं। एक महीने के अंदर अंदर आपको इसे यूज कर लेना है और हफ्ते में कम से कम 2 बार इस तेल की मालिश अपने बालों में ज़रूर करनी है। आप इस तेल को ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं या बाल धोने से 1 घंटे पहले भी इस ऑयल की अपने बालों में मसाज कर सकते हैं। इस ऑयल को लगाने के बाद आपको किसी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है और बालों को अच्छे से कंडीशन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।